سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لِي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين تفسير سورة يوسف ركو نمبر 10 آية نمبر 80 فَلَمَّا اسْتَيَعْسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيًّا قَالَ قَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ عَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِكُمْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فرطتم فِي يُوسِفٍ فلن أبرح الأرض حَتَّى يَقْسَنَ لِي أَبِيٍ बस जब अलैहि सलाम से मायूस हो गए हजरत यूसुफ सलाम की दास्तान अब मुख्तलिफ नाजुक मराहिल से चलकर अब इख्तामी मराहिल की तरफ पहुँचती नजर आ रही है हजरत यूसुफ सलाम के भाई इनके पास आ रहे हैं गल्ला लेकर जा रहे हैं फिर दूसरी दफा वापस गला लेने के लिए पलटते हैं हजरत याकूब व्लाम की कोशिश के बावजूद ख्वाहिश के बावजूद फिक्र के बावजूद क्या है चोर बनकर पकड़ लिए जाते हैं अब वो मकालमा जारी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जगह किसी और को रख लें हमारा भाई हमारे वालिद जो हैं वो बहुत ही कमजोर हैं और अगर हम अपने छोटे भाई को फिर छोड़ के चले गए तो हमारे बाप जो है वो इस कम की ताब नहीं ला सकेंगे लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदिल हुकुमरान हैं एक अदल का जबरदस्त नमूना कायम करते नजर आते हैं कि जो शख्स चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया उसी को हम रख सकते हैं उसकी एवज़ किसी और को रखेंगे तो ये नाइंसाफ़ी नाइन हो गए। तो वही तो सबसे बड़ा था, वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद वालिद ने तुमसे खुदा के नाम पर क्या पैमान लिया है और उससे पहले यूसुफलाम के मामले में जो जियादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है गोया, बरादरान यूसुफ के रवैये में एक तगैय और एक तब्दीली का रंग नज़र आ रहा है अब अहदोपमान भी याद आने लगे हैं वाद कौलो करार की अहमियत भी कुछ निभाते हुए और उसकी अहमियत को महसूस करते हुए और वादे पर हसासीत का तरीका नज़र आ रहा है और फिर वो जो यूसुफ अल्लाम के मामले में रवैया था उसकी ज्यादती का एहसास भी हो रहा है दिल बदल रहा है रंग बदल रहा है इखलाक और मामलात में नजर आ रहा है वाज तौर पर एक चेंज किसकी तरबियत है बाप की सख्ती बाप की तशद मार पीट नहीं बाप की मोहब्बत नरमी दिल गुदाजी बाप की बाप का दरगुजर कर देना बाप का ओवर और इग्नोर कर देना और गाहे ब गाहें मौका ब मौका वालिद का अपनी औलाद को अपने रब की पहचान दे लेना, ये वो तरबियत है जो अब असर करती नजर आ रही है अल्लाह की रज़ा के लिए खलूस के लिए कुरान और हदीस के पैगाम और अहकाम के मुताबिक जब लाल अपनाया जाता है तो असरात जल्दी नहीं बस अवतार देर से मरतब होते हैं लेकिन कुरान और हदीस की बरकतें और फरयूस ज़रूर मुरतब होते हैं कुरान और हदीस को थामेंगे सुन्नतों को अपनाएंगे, तो नतज में जल्दबाज़ी नहीं करनी नतज में सबर और तहमुल से अल्लाह पर तो्क्ल और कनात करके नतज का मंतज़िर रहना है अल्लाह दुनिया में भी बेहतरीन नतायज और समरात अता फरमाता है और क़्यामत के अजर का तो कोई इंतहा ही नहीं अल्लाह सुबहाना तला ने इनका रवैया बताया कि इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी जो रवैया था उस पर भी कुछ मलामत होने लगा कुछ नतमत होने लगा कुछ पशेमानी होने लगी और उस ज्यादती का भी आपस में इतराफ कर रहे हैं दिल बदल रहे हैं ना दिल किसके दो हाँ? उंगलियों के दरम्यान दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान और होता है क्या है होता तो वही है ना जो रहमान रब चाहता है अब रहमान के हुक्म से अल्लाह की मर्जी से दिल बदल रहे हैं और साथ ही कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे, दे ये ना फरमान सरकश मुतकबर टोला जो पहले कहता था उस पर हम धड़ा है हम छत्ता है ऊपर वाले हो के वाल के ऊपर धौंस मचाते थे अब इनका हाल है कि जब तक अब्बा इजाजत ना दे फरमा बर्दारी भी आ रही है तात भी आ रही है फिर यहाँ अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे अब क्या कह रहे हैं मुरतब हो गए वालिद की तरबियत हजरत याकूब की सक्सेसफुल पेरेंटिंग एग्नोस का क्या था मक्के महल की मुनासबत से अल्लाह सुबहाना सुबहला के सिफात का तारुफी तो करवाते थे अपनी हालातों से कभी रब के खबीर कभी समी कभी बसीर कभी अलीम कभी खबीर कभी गफूर कभी रहीम होने का तारुफ ही तो करवाते रहे सारी जिंदगी आप बताएं, जो वालदेन अपनी औलादों की तरबियत करते हैं क्या वो असर पैदा करती है कि नहीं कैसे वालदेन की तरबियत का रंग नजर आ रहा है अब वही औलाद जो सरकश थी नाफरमा बरदार थी बदहद थी निफाक का रंग करने वाली थी जो जालिम थी जो कातिल थी, जो आसियत थी जो वालिद की नाफरमां बरदारी करने वाली थी उसी जबान के उसी औलाद की जबान पर वही कलमात आ रहे हैं जो बाप ने मुतारफ करवाए थे माँ बाप की माँ बाप की तरबियत की ताकत नजर आ रही है माँ बाप की तरबियत की तसीर नजर आ रही है और फिर वालदेन के लिए और औलादों को अपना फरमा बरदार बनाना चाहते हैं तो उनको अल्लाह की पहचान देने का तरीका कितना कार फरमा असूल है ये नजर आ रहा है इसी औलाद की जबान पर वाहिरकमीन अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है ये कामयाबी नजर आ रही है ये हजरत याकूब आसम की तरबियत का असल नतीजा नजर आ रहा है कि कैसे अल्लाह का तारुफ करवाया था और अब इन्हीं की जबानों से इन्हीं के अखलाक और मामला से अल्लाह का तारुफ निकलने लगा है अलादों की तरबियत में वक्त माल सलाहियत कुरान और हदीस की हदूद के मुताबिक लगाया गया तो वो जया नहीं होगी वो रब उनका दिल जरूर बदलेगा जो वाले औलाद को अल्लाह का फरमा बरदार और हकशनास बनाते हैं वो रब फिर उस ओलाद को वाले का हकशनास बना देता और बिहली में लदुन का जुर्यतन तो वतन इन अब औलाद की जबान पर है कि वो बेहतरीन फैसला करने वाले इ लौट जाओ तुम अपने अब्बा जान की तरफ लौट जाओ और क्या कहो तुम जाकर अपने अब्बा जान से कहो कि आपके साहबजादे ने चोरी की है अभी हल्का सा अनाद का रंग है उसको अपना भाई नहीं बना रहे आपके बेटे ने चोरी की है हमने इसे चोरी करते हुए तो कोई नहीं देखा था जो कुछ मालूम है बस वही कुछ बयान कर रहे हैं और गैब की निगरबानी तो हम कर नहीं सकते अभी हल्के से पुराने अखलाक का रंग नजर आ रहा अभी पूरा दिल नहीं बदला दिल कैसे बदलता है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता ही तो रंग आता है ना आप उस बस्ती के लोगों से भी पूछ लीजिए जहाँ थे उस काफले के लोगों से दरियाफ्त कर लें, जिसके साथ हम आए हैं हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं देखा झूठों का क्या हाल होता है एक दफा का झूठ सारी जिंदगी का एतमाद गंवा देता है कोई शख्स एक दफा झूठ बोले और उसके झूठे होने का लोगों को पता चल जाए सारी जिंदगी वो बेतमाद हो जाते है उसका एतबार नहीं रहता अपना एतबार खो बैठता यही है झूठ की कबाहत अब देखें सच भी बोल रहे हैं सच भी बोल रहे हैं तो अपने सच की गवाही के लिए लोगों को गवाह बनाना पड़ रहा है ये है झूठ की कबाहत इसलिए तो उसको कबाइस कहा गया एक दफा का झूठ याद रखिए एक तो अकेला झूठ नहीं होता उसके पीछे एक लड़ी आती है झूठ की और एक दफा का आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड झूठ जो है उस शख्स को पक्का झूठे का लेबल लगा के उसको बिल्कुल बेतमाद कर देता है तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बहुत बड़ी बात को आसान बना दिया अच्छा इस पर सबर करूंगा और बखूबी करूंगा अल्लाह वक्त पर कितना सबर है याकूब आसम का कैरेक्टर और उनका एक नमूना सुन्नत का तो सरापा सबर का एक पहाड़ नजर आ रहे है सबर का एक पहाड़ नजर आ रहे हैं आप देखें कि वो बेटे जिन्होंने पहले बेटे के साथ वो मामला किया अब दूसरा बेटा भी गुम हो गया दूसरा आंखों का तारा जिगर का टुकड़ा भी आंखों से ओझल हो गया लेकिन उस पर भी क्या है सबर है जिक्र है रब की तरफ रजू करने का तरीका है और सबर कैसा है रोने पीटने के बाद नहीं कैसा सबर है सबर जमील मेरा रब साहेब जमाल है और उसको उसको जमाल पसंद है मेरे रब को जो मेरे और आपके लिए सबर को पसंद करता है सबर की ताकद करता है सबर को मुंतखब करता है वो मेरे और आपके लिए कौन सा सबर पसंद करता है सबरे जमील पसंद करता है अल्लाह मजान ले सबरों वजान फियाई बफिया कहने लगे कि अच्छा मैं इस पर भी सबर करूंगा और बखूबी करूंगा क्या बीद है कि अल्लाह उनको उनसे ला मिलाए वह सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर मबनी है सबर कर तो रहे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ले लेकिन उस सबर की बुनियाद उसके पीछे मुतहरक फंडामेंटल जज्बा क्या है ना उम्मीदी नहीं है उम्मीद है तवक्कुल है भरोसा है यकीन है रब पर यही वजह बन रहा है सबर का। तो याद रखिएगा ये सब जो रूहानी कैफियतें हैं ना इनका आपस में चोरी दामन का साथ है शुक्र का सबर के साथ सबर का तवक्कुल के साथ ना उम्मीदी का मायूसी का सबर और शुक्र की अदम मौजूदगी के साथ सब कुछ आपस में इंटलेक्ट है उम्मीद होती है तो सबर आता है तवक्ल होता है तो कनात डेवलप होती है शुक्र होता है तो सबर और जम जाता है रूहानी इबादात भी सब जरूरी है जिसमानी माली इबादात भी सभी जरूरी है कहने लगे सबर करूंगा क्यों कर रहे हैं ना उम्मीद नहीं हुए ना मायूस नहीं हुए उम्मीद की किरण कायम है उम्मीद है कि मेरा रब मुझे मिला देगा जहां तवक्कुल होता है वहीं सबर होता है इसीलिए अल्लाह सबर करने वालों से भी मोहब्बत करता है और तवक्कुल करने वालों से भी मोहब्बत करता है देखें हजरत याकूब सलाम का तरीका अपने औलाद की तरबियत में वही तरीका फिर नजर आ रहा है गम में खुशी में दुख में तकलीफ में एक आजमाइश उससे बड़ी आजमाइश औलाद की तरबियत जारी है रब की पहचान अभी भी करा रहे हैं वो कैसा है वो अलीम है हकीम है अब समझ आया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पीछे सब्र जमील के पीछे भी क्या है रब की पहचान है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी इस सबर का पहाड़ बने हुए नजर आते हैं तो ये सबर क्यों मुमकिन है उनके लिए क्योंकि उनको अल्लाह की पहचान है उनको पता है कि मेरा रब अलीम है और मेरा रब हकीम है अपनी ज़िंदगी में सबर को अपनी ज़िंदगी में सबर को शामिल करना चाहते हैं तो रब की पहचान भी रखिए और अपनी मुश्किलों और दुखों और गमों और परेशानियों में सब्र आमिल होना चाहते हैं तो रब की इन दो सिफात कामला पर लाजे में मान ले आइए हर तकलीफ़ में याद रखा करें पूरा बली में मेरी उस तकलीफ का रब को इल्म होगा मेरे रवैयों का रब को इल्म होगा मेरे मेरी बात का रब को इल्म होगा मेरे जुल्म करने वालों के जुल्म का रब को इल्म होगा और मेरी तकलीफ के दूर करने के तरीकों का रब ही को इल्म होगा मेरे माजी हाल मुस्तबिल का रब को इल्म होगा किसी को इल्म नहीं उसल बदूद को इल्म होगा उसके बावजूद अगर वो तकलीफ मुझ पर भेज रहा है तो वो हकीम है उसकी कोई हमत होगी इंशाल्लाह शाह ये रवैया मेरा और आपका सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद हर तकलीफ हर गम हर दुख हर परेशानी हर मुश्किल में हुआ तो सबर के जेवर से मैं और आप जरूर आस्ता होंगे अल्लाह मान लें सबूर मा जान शकूरा फिर औलाद को कहते हैं वो तुम्हारा रब अलीम और हकीम भी है यहां पे मजीद नजर आ रहा है यूसुफ अलैहि सलाम याकूब आलाम का रवैया औलाद के साथ दरगुजर नरमी हस्ने सलूक तहमुल पेशेंस टॉलरेंस माफ किया जा रहा है इग्नोर किया जा रहा है ओवरलुक किया जा रहा है लान तान तिश्ने शिकवे शिकायतें बुरा भला मार पीट कुछ नहीं है ये है वो सबर जो औलाद के साथ फायदा देगा फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा हाय यूसुफ हाँ। बस औकात मैंने उस दिन भी कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दास्तान में इतना ज्यादा सबर नजर आता है तो कई दफ़ा ये लगता है कि शायद ये तो पता नहीं कोई सुपर ह्यूम है कोई रोबोट्स हैं इनके जज्बात ही नहीं है बताए जज्बात नहीं है कहते हैं हाय है यूसुफ गम है दुख है परेशानी है उदासी है सब कुछ है वैसे भी पता चल रहा है कि अंबिया क्या है बशर है उनके जज्बात उनकी आर्जुएं उनकी तमन्नाएं उनके गम बशरी तकाज़ों के मुताबिक कहने लगे हाय यूसुफ और हाल क्या है या सफ़ा दोनों आँखें सफेद हो गई थी कैसे रोने की शिद्दत की वजह से यह है दुख की कैफियत जबान पर क्या है वही तरीका जो रसोल रहमत सल महसन इंसानियत के गम में हालत है साबरों का तरीका ऐसा ही तो है रसोल्ह के साहिबजादे की वफात है आपकी साहिबजादे की वफात है अजीज बहुत ही जलील साहबा क्राम की वफ़ात के मौकों पर भी आंखों से आंसू जारी होते थे और इर्द-गिर्द जब लोग इस इस आंखों के आंसुओं से जारी होने की कैफियत के बारे में दरियात फरमाते थे तो आप क्या फरमाते थे आपने फरमाया ना कि आंखों से आंसू जारी हैं और जबान पर हक के अलावा कुछ नहीं है यही है एक मोमिन के सबर का तरीका और यही है सब्र जमील का तरीका याद रखिएगा सबर

ये सबर के मनाफ़ी नहीं है ये तो इंसान की फितरत है ये तो इंसान के मिजाज और उसकी साख्त और उसकी हयियत के अहम मुताबिक है और वैसे भी आंखों से आंसू का जारी होना दिल की नरमी की भी तो अलामत है तो गोया दुख गम परेशानी तकलीफ मुसीबत में आंखों से आंसू का जारी होना ये ये मना नहीं है ये अंबिया का तरीका और सुनत है और इससे कोई रुकावट नहीं और ये सबर में भी रुकावट नहीं बनेगा हां असल बात है कि जब आंखों से आंसू जारी हो तो जबान से हक के खिलाफ कुछ नहीं आएगा जबान से हक के खिलाफ कुछ नहीं आएगा तकलीफ मुश्किल गम परेशानी में ना कोई शिरक होगा ना लहन होगी ना बद होगी ना शिकव शिकायत होंगे ना अपने गम की रूदाद और फरियाद रसी किसी और को अल्लाह के सिवा होगी

जो इंसान की अपनी हालत की वजह से आता है लेकिन एक वो गम जो किसी और की हालत की वजह से आता है औलाद बीमार है शोहर की जुदाई है किसी और की हालत की वजह से आने वाले गम को हजन कहते हैं और उनकी आंखें सफेद हो गई थी उनका दिल घुटा जा रहा था किसका गम है अपना गम नहीं है यूसुफ आलम की जुदाई उनकी हालत और अब छोटे बेटे की जुदाई और उनकी हालत का गम है और फिर अपने बेटों की दूसरे नाफरमान बेटों की भी हालत का गम है फाहुबा कजीम जीम का मतलब यानी सख्त गम की हालत में था इतना गम की हालत में था कि गोया दिल जैसे घुटा चला जा रहा गम के घोंट पीते चले जा रहे थे ये है सबर की कैफियत अच्छा वो कहने लगे हाय यूसुफ दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी बेटों ने कहा खुद आ रहा आप तो बस यूसुफ असलामी को याद किए जाए अभी पूरा रंग नहीं बदला हसत का एक छोटा सा शरारा एक छोटा सा अंगारा अभी भी है अभी भी जब बाप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर रहे तो वो हसद की चिंगारी अभी भी हल्की सी सुलग रही है याद रखिएगा हसद बहुत बुरी आग है हसद बड़ी बुरी आग है। इसको बुझाना भी मुश्किल है इसको ठंडा करना भी मुमकिन है और एक दफा अगर ये चिंगारी भड़क के शोला बन जाता है तो पता नहीं अंगारे कितनी दूर तक कितनी दूर तक भड़कते रहते हैं अभी भी कहते हैं आप तो बस यूसुफ़ यूसुफी को याद करते रहते हैं नौबत यह आ गई है कि आप उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान को हलाक कर देंगे क्या कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला बहुत बड़ा बहुत बड़ी रहनुमाई करता है इनमा अश्कू बसी तालमून कहते हैं मुझे अल्लाह के मामले में वो पता है जो तुम्हें नहीं पता तो वो एक शख्स जो अल्लाह की ज्यादा पहचान रखता है जो अल्लाह के बारे में इल्म रखता है जिसको अल्लाह की मार्फत जिसको अल्लाह की तरफ से बुरहान अल्लाह की ज्यादा सिफात का इल्म है उसका क्या कौल है तकलीफ और गम में दुख तकलीफ गम परेशानी जुताई जुल्म जियादती की इतनी शदीद हालत में हजरत याकूब आलाम जैसा साहिब इल्म क्या कह रहे हैं मेरे अराब के लिए नमूना इनमा बेशक सिर्फ यानी इसके अलावा कहीं और नहीं है इनमा अश्कुबसी वजनी मेरा शिकवा मेरा शिकायत मेरा रोना धोना किसकी तरफ है सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की तरफ है जिंदगी के लिए एक बहुत खूबसूरत असूल है याद रखिएगा जब जिंदगी में कोई दुख आए कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई क्राइसिस आए तो किसकी तरफ पलटना है किसको अपनी हालत जहार बयान करनी है किसके आगे अपना माजरा किसके आगे अपनी दुख भरी दास्तान खोल के बयान करनी है अल्लाह यही साबरों का तरीका है और याद रखिएगा यही साबिर में सबर में मुआवनत भी करता है किसी और के सामने क्यों नहीं करनी बहुत सी हमतें नज़र आती हैं सबसे पहली बात कोई तकलीफ होगी कोई माली तंगी होगी कोई घर का मसला होगा कोई तनाजा होगा कोई झगड़ा होगा घर के मसले को और अपने जाति मामला को अपनी हद हाँ तक रखना बेहतरीन हुआ करता है इज्जत का भी जरिया जिल्लत से बचने का भी वसीला अरे अपना पेट किसी और के सामने नंगा करने की क्या जरूरत है जब अकमल हाकमीन है ना जब अल्फदूद रब है ना जब रहमान रहीम है तो अपनी दास्तान अपनी हालत अपने अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां अपने 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 तनाजे, झगड़े, अपनी किसी और के सामने क्यों खोलें? उसके सामने क्यों ना खोलें जिसके पास इनको हल करने की कुंजी मौजूद है जिसके पास इनको दूर करने की कुदरत ताकत इख्तियार मौजूद है तो लिहाजा अपने आप को जिलत और रुई से बचाने के लिए अपने आप को इज्जत के उस दर्जे पर कायम रखने के लिए अपनी बदनामी से बचने के लिए अपने 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 हालात और अपनी रुदातों को किसी के आगे बयान नहीं करना दूसरी बात किसी के आगे बयान करने से फायदा क्या है हाँ जी किसी के सामने बयान करने से आप देखें कि कोई सुनता का है आज के इस मादा परस दौर में जब सब अपनी अपनी जिंदगी में और सिर्फ मादा परस्नी इस सेल्फिश दौर में खुद पसंद दौर में एक सनानियत के दौर में आज तो देखें खातिन जो वर्किंग वुमेन है उनको अपने बच्चों की बात सुनने का वक्त नहीं आज इस सूद इस सूद के डशे हुए माशरे में आज मर्द को अपनी बीवी की बात सुनने का वक्त नहीं बेटे को अपनी माँ बीमार माँ की बात सुनने का वक्त नहीं कौन किसकी सुनता है तो इस हरीस दौर में इस खुद पसंद दौर में क्या हरी दौर में किसी को बताने की जरूरत नहीं किसी के पास वक्त ही नहीं है कोई बहुदड़ी नहीं है और वो वो तो हर वक्त सुनने को तैयार है वो तो कहता है जीबुदा वह तदाइजतनी जब मुझे कोई पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं तो जब वो दिन रात सुबह शाम गर्मी सर्दी दिन अंधेरा जाड़े तूफान हर एक में कहता है जब मर्जी पुकारो मैं सुनता हूं उसको क्यों ना पुकारें अच्छा दुनिया में अगर कोई सुनेगा तो मुझे क्या पता सुनने वाला क्या रवैया अपनाएगा बस औकात कोई किसी के दुख गम परेशानी किसी के झगड़े तनाजे को सुन के कोई हंसेगा कोई ठट्ठा बनाएगा कोई रुदात को आगे सारे माशरे में तशहर करेगा कोई उसकी बदनामी करेगा कोई उसकी तजहीक करेगा कोई उसे हकीर समझेगा कोई कोई उससे हसद करने लगेगा और कोई कोई उसको सताने लगेगा कोई उसको कमजोर समझ के उसके ऊपर और चढ़ाई करने का प्लान बनाने लगेगा क्या पता कौन कैसा राय इख्तियार कर ले कौन कैसा लाए अमल इख्तियार कर ले और पता नहीं कौन कहां कहां जाके क्या क्या बात पहुंचा देगा तो लिहाजा अपनी उन सिचुएशन को किसी और के सामने बयान करने की ना बयान करने की यह तीसरी वजह अच्छा अगर बयान करना है तो बस औकात कोई बड़ा ही मोहब्बत वाला रिश्ता कोई बड़ा ही खलूस और खैर गाही वाला रिश्ता उसके सामने बयान किया जाए तो कर लेना चाहिए बस औकात बच्चियां अपने ससुराल के हालात तो अपने शोहर के हालात तक अपनी माओ और बहनों को बताती हैं बता देना चाहिए क्या होगा क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा हर काम करने से पहले उसके फायदे उसके नफे नुकसान को वे आउट करके काम किया करें आप बताएं कि अगर एक बच्ची अपनी बहन को अपनी रुदात सुनाती है अपनी माँ को अपनी रुदात सुनाती है तो मुझे बताएं क्या वो माँ या वो बहन सब कुछ सुनने महसूस करने जानने मानने समझने के बावजूद उसकी तकलीफ को उससे दूर करने का इख्तियार रखती है कुदरत रखती है ताकत रखती है नहीं ना जब रखती नहीं तो उसको क्यों बताएं जो मुझसे मोहब्बत करता है जो मुझसे खलूस रखता है मैं उसको मजीद गम में क्यों घुलाऊं जब वो उसको दूर करने की कोशिश करने के बावजूद कोशिश कर ही नहीं सकता दूर कर ही नहीं सकता एक बेटी अपनी मां को आके अगर बताएगी तो मां क्या करेगी जलेगी कुड़ेगी, अपने अखलाक और मामलात में रवैयों में तगैर और तब्दीली ले आएगी उस शख्स के साथ लेकिन वह उसको दूर करने की तो ताकत नहीं रखती तो बताने का क्या फायदा हुआ ना बहन को ना मां को ना बाप को और फिर वसाकार अपने किसी बहुत ही अजीज़ किसी बहुत ही करीबी किसी बहुत ही मुखलिस किसी बहुत ही प्यारे से रिश्ते को महज मशावरत के लिए बता दिया जाता है अपनी माँ से अपनी बहन से काउंसलिंग दी जाती है गाइडेंस ली जाती है ये हालात हैं ये जुल ज्यादी और न जरा बताओ ना मैं क्या करूँ मुझे बताएं ऐसे हालात में शिकवा शिकायत करके काउंसलिंग गाइडेंस रहनुमाई माँ से बहन से ली जा सकती है अरे वो तो तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रही है जो मैं उसको जाके दिखा रही हूं और फिर वो क्या है अपने इल्म के लिहाज से इतनी लिमिटेड कि उसको तो अगली घड़ी का इल्म नहीं तो फिर मैं ऐसी जात को क्यों ना बताऊं जो आलिमुल गायब भी है जो अलीम भी है जो समी भी है जो खबीर भी है जो बसीर भी है जो दोनों रुख नहीं रुख हर तस्वीर का हर रुख जानता देखता सुनता समझता है और जिसको गैब का भी पता है आज ही हमने हदीस में इसतारे का तरीका पढ़ा अपनी रहनुमाई और अपनी गाइडेंस और अपने काम में खैर डालने के लिए इस्तारा करके रब की तरफ क्यों ना रजू करें झोली फैला कर रब की तरफ अपना रोना धोना क्यों ना रोए ना कोई इज्जत खराब होगी ना बेइजती ना जिल्लत होगी ना कोई मजाक उड़ाएगा ना कोई तनकीद करेगा ना कोई ठट्ठा को उड़ाएगा न कोई हमारी कमजोरी से फायदा उठाएगा ना ही कोई तजह करेगा ना ही कोई तनकीद करेगा ना ही कोई लगी लगा के आगे पहुंचा के हमें नुकसान देगा ना ही कमजोरी से फायदा उठा के मजीद हमें नुकसान और ज़रर पहुंचाएगा और ना ही कोई बेहिसी का तरीका इख्तियार करके हमारा दिल दुखाने में कामयाब होगा और फिर इसीलिए उसको बताए कि इंसानों को बताना उनको दुखाने का जरिया होगा उनको दुखाना जो दूर करने का कुदरत इख्तियार नहीं रखते वो बेकार बेसूद होगा उसको बताएं जो दूर करने की कुंजियां भी रखता है जिसके पास तकलीफें गम दूर करने के मसाइल हल करने के कुदरत और इख्तियार भी है और उससे मशावरत किया करें जो आलिमुल गायब भी है अल्लाह बहाना हमें सबर और तहमुल के लिए अपनी जिंदगी में जब नफ्स का यह तरीका हजरत याकूब की सुनत से अपनाने सीखने की तोफ़ी कता फरमाए इन नमा अश्को अल्लाह मैं किसी के साथ अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा नहीं करता अल्लाह अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूं ना तुम वाकिफ नहीं हो अच्छा ये आपस में अपनी बात दिल में की फिर साथ बेटो को क्या कहा या बना याबू या ए बेटो चलो तुम जाओ इतने गम में इतने दुख में के रो रो के आंखें सफेद हो गई आंखों की बिनाई जाती रही हाय यूसुफ हाय यूसुफ कजीम है और हलाक होने की और हरसन की बीमारी की कैफियत में पहुंच गए हैं लेकिन क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों तुम जाओ और उस भाई की कुछ टो लगाओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो उसकी रहमत से तो बस काफी मायूस हुआ करते हैं कितना सबर है कितना तहमुल है और इस सबर और तहमुल के पीछे भी दो जज्बात कौन से हैं ना उम्मीदी नहीं है मायूसी नहीं है याद रखिएगा दुख गम परेशानी में जो अल्लाह की रहमत से उसकी कुदरत उसकी ताकत से मायूस हो जाता है ना फिर वही डिप्रेशन और टेंशन और एंगजाइटी की दलदल में जागता है मायूसी कुफर है उम्मीदी गुनाह है बड़ी से बड़ी तकलीफ अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होता मोमिन और उम्मीद की किरण उसकी जिंदगी से कभी नहीं निकलती ये उम्मीद की किरण और मायूसी से बचना और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना ही उसके सबर सबर का जरिया बनता है इतनी तकलीफ में भी नाउमीद नहीं हुए ना दोनों बेटे एक के बाद दूसरा एक के बाद दिख रहा है एक के बाद दूसरा बेटा गायब हो गया लेकिन नाउमीद नहीं है मायूस नहीं है अल्लाह की रहमत से और फिर तरीका क्या नजर आ रहा है मोमिन एक और तरीका जो मैं बार बार दिखा रही हूं आपको हजरत याकूब अल्लाम की सुन्नत माजी की रुदात पर रोना धोना नहीं है मुस्तकबिल की प्लानिंग है जाओ आगे जाओ कुरेद लगाओ मोमिन का माजी के साथ ताल्लुक बख्शिश मांगना और माफ करना है जालिमों को माफ कर देता है और अल्लाह से अपने लिए माफी मांग लेता है हाल में इसलाह करता है और मुस्तकबिल में पॉजिटिव रवैये रखता है इतने गम में भी सोच क्या है पॉजिटिव है मुस्बित है इसीलिए साफिर है अल्लाह इस तरीके से हमें सब्र के जेवर से आरास्ता करने की अपने आप को तौफीक अता फरमाए जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ यूसफ्लाम की पेशी में दाखिल हुए अब कितनी दफा आए हैं थर्ड टाइम आए हैं पहली दफा गला लेने गए थे दूसरी दफा गला लेने गए एक भाई धरा गया पकड़ा गया चोर बनाया गया अब वापस तीसरी दफा जा रहे हैंकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ जाके भाई को तलाश करो ये लोग मिस्र मिसर जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया है सरदार बा हम और हमारे अहलो याल सख्त मुसीबत में मुबतला देखे हालात एक जैसे नहीं रहते हालात एक जैसे नहीं रहते अल्लाह कभी किसी को कुछ किसी को कुछ बना देता है कभी कोई दुख में कभी कोई सुख में गर्दिश अयाम है ये दिन के लेलो निहार की उतार है ये कभी इंसानों के दरमियान बदलती रहती है अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल खुशहाली के आ गए और इनके दिन बदल गए ये जिंदगी की आजमाइश है हम और हमारे एहलो याल साख्त मुसीबत में मुब्तला और हम कुछ हकीर सी पूंजी भी लेकर आए हैं आप हमें भरपूर गल्ला नायत फरमा देना और हमें खैरात दे दें यानी अब तो जितना राशन के लिए जितना पैसा दरकार है आज हमारे पास उतना भी नहीं है हमारी थोड़ी सी पूंजी ले लें और गला जरा हमें पूरा दे दें हमें खैरात दें और क्या कहते हैं हुं? क्या आप दरस दे रहे हैं इन जजिल मुतसदीन बेषकल्ला जजा देते सदका करने वालों अल्लाह अकबर कौन किसको नेकी का रास्ता दिखा रहा है कौन किसको तबलीग और दीन समझा रहा इतना बड़ा जालिम अपने मजलूम को नेकी का रास्ता दिखा रहे वो कहते ना चोरी और सीना जोरी और इतने बड़े गुनागार और जालिम होने के बाद उसी मजलूम को नेकी का रास्ता दिखाते हैं बहरहाल इंसान है अब सबर नहीं हुआ ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया उसने कहा तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे सुबहानल्ला हम्बिया की सुन्नतें अम्बिया की सीरतें अम्बिया के अखलाक और मैं बार बार कह रही हूं एहसान यूसुफ नजर आता है सूर यूसुरूबसूरत रवैया है इस मौसम का आप देखें कि ये कौन खड़ा है वो हासिद भाई वो ज़ालिम भाई वो जाबिर भाई वो भाई जिनका कुएं में फेंकना जिनके जुल्म की आगाज ने फिर ये जुल्म की चक्की के पार्ट में पीस के रख दिया था हजरत युसुफ अल्लाम को वो जा, जालिम सामने खड़े हैं और इनके पास क्या है बदला लेने की ताकत भी है बदला और इंतकाम लेने की कुत ताकत इस्तकार इस्त सभी कुछ है क्या पहलवानी का अंदाज नजर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहक नहीं फरमाया था आपने फरमाया था पहलवान कौन है आपने फरमाया पहलवान वो शख्स नहीं जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे पहलवान तो वो है जो इंतकाम लेने की ताकत के बावजूद माफ कर दे ये है वो ताकत एक कौन सी ताकत है जिस्मानी नहीं आसाबी ताकत है आसाब मजबूत है। और इतने मजबूत हजरत यूसुफ अम और हजरत याकूब आलह की नर्व्स तो ऐसे लगता है जैसे आयरन नर्व्स है जैसे कोई असाब है कोई लोहे की और जिस्ती असाब है किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इतना जालिम सामने खड़ा है और इतनी तवील सालों की दिक्कतों की और तकलीफों की पहाड़ आजमाइशों के टूटे उसके बाद ये सालिम जालिम सामने खड़े और आज जब बोलने ही है तो फिर बोले क्या है किसका है। किस कदर लिसान है किस कदर सेल्फ कंट्रोल है? और किस कदर अपनी जबान पर कंट्रोल है? मुनाफे की निशानी क्या पड़ी थी हमने बात करता है तो झूठ बोलता है अमानत दिया जाता है तो खयानत करता है वादा करता है तो खिलाफ करता है और लड़ाई करता है तो फट पड़ता है गाली बकता है अंबिया के ईमान की अलामतें नजर आ रही हैं, कोई निफाक दूर दूर से शायबा नहीं है इस हालत में भी इतनी तवील मुश्किल और घनौनी रौदात के बावजूद जालिम सामने खड़े हैं, हास का सामने खड़े लेकिन हाल क्या है कितना सेल्फ कंट्रोल आज आज हम ये इतने बड़ी कदोकामत के बाद उस एक जबान पर लगाम नहीं डाली जाती ना मा या अल्फिजो मिन कलिन जो लफ्ज तेरी जबान से निकलता है ना उसके लिए निगरान हाजर बाश्त फरिश्ते मौजूद हैं जिनको इस चीज का इल्म हो वही यह जब्त कर सकते इतनी देर के बाद बोले हैं। बोल क्या रहे जरा जुमला तो देख कोई फटे कोई फट पड़े जज्बात की रो में आके या कोई आग गुस्से का लावा जो है वो जला दे रहा है कोई तानने कोई तिशने कोई शिकवे कोई शिकायत कोई यही कह देते नलायको कोई आम होता तो कहता गमारो नलायको जालिमो कातिलो गुनागारो क्या कुछ कहा, कहा? तुम्हें कुछ पता है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था उनको उनकी गलत रवि का एहसास दिलाया जा रहा है उनको उनकी उनकी नादानी की तरफ माइल किया जा रहा है और फिर क्या कह रहे हैं गलत रवि की तरफ हल्का सा है तो साथ उसको जैसे ऐसे लगता है जैसे कवरअप कर रहे हैं ओजान तुम जाहिल तुम्हारा कसूर भी नहीं था तुम तब जाहिल थे ना कितना कंट्रोल का तरीका है और कितना उसने सलूक है और कितना खूबसूरत मामला है अल्लाह के नफ्स नफ्सता फरमा दे अल्लाह जब नफ्स हमारे लिए भी आसान कर दे अल्लाह मैनी आओ जब काम के रौतलाक वमाल वाह वह अपनी अपनी जबान पर कंट्रोल हम सब के लिए आसान कर दे कैसे खूबसूरत तरीके से उनको उनके इम की कमी का भी एहसास दिला दिया कितना जचा तुला नपा तला जुमला है कितना तहमुल है कितना हिल है कितनी बुद्वारी है कितनी मामला फहमी है जल्दबाजी है ही नहीं है का कोई तस्वीर ही नहीं है दरगुजर का एक पहाड़ एक सैलाब है और नरमी और ओवर लुक करना और कितनी मोहब्बत से उनको झंझोड़ के उनकी गलत रवि की तरफ माइल किया ताकि उनके जहन मुतरिक के अपनी गलत रवि सोचें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तरीके से कितनी पॉजिटिविटी है याद रखिएगा जिसकी जिंदगी में शुक्र होता है वही पॉजिटिव तरीके से रवैया भी अपनाता है अखलाक मामला बातें भी उसी की पॉजिटिव होती है जिसकी जिंदगी में न शुक्री होती है ना वो हर बात भी मनफी करता है साबिर शाकिर है ना अगले को झंझोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव तरीके से ताने तिश्ने देकर नहीं सोचो जरा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तुम खुद ही सोचो तुमने क्या किया था अपने मुहासपे पर उनको माइल किया आप इसकी एक कमी का उनको खुद ही एहसास दिला दिया कि ये जो तुमने गलत रवि की थी ना ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से थी तुम्हारी लाइलि की वजह से थी ताकि उनको पशेमानी नदामत इस्तफार और हसूले इल्म की तरफ माइल कर दे अल्लाह इस तहमुल से जिंदगी गुजारना हमारे लिए भी एहसान कर दे अल्लाह ने यूसुफ के ये सारे तरीके मुझे और आपको सिखा दे अच्छा जब भी तुने तहमुल से बोले तो वो चौंक कर बोले हाय क्या तुम यूसुफ हो ये तो पहचाने ही नहीं थे ना पहले अब पहचाने जब पता चला कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया फिर टू एंड टू, टू टुगेदर किया कड़ियाँ जोड़ी हो ये तो यूसुफ न उसने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है ये मेरा भाई अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कितनी आज सी है कितनी सारी है याद रखिए एहसान कर भी वही सकता है जो मोहसिन रब के एहसान को मानता है जो मोहसिन रब के एहसान को ही नहीं मानता वो अल्लाह के बंदों पे क्या एहसान करेगा मोहसिन बनने के लिए फिर क्या जरूरी है शुक्र करना अल्लाह को अपना मोहसिन मानना अल्लाह के एहसानात का एतराफ करना और फिर यहां पर देखें आजी कितनी है कोई गरूर का शायबा भी नजर आता कोई आम शख्स होता तो कहता देखा तुमने तो मुझे कुएं में फेंक दिया था देखा मैं कहाँ पहुंच गया देखा मैं कितना से कोई ऐसा तसव्व नहीं है नहीं अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया और साथ ही अब उनको उनको तारुफ करवाया जा रहा है हकीकत यह है इन नयत तकीसन यही तो यही तो पैगाम है जिसके लिए पूरे का पूरा वाक्य सुनाया गया था यही तो वो लुबे लुबाब है जिसके लिए पूरा किस्सा धरा गया था कुरान और यही लुब्बे लुबाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को उस मामले पे सुना दिया कि जो अल्लाह का तकवा करता है अपनी जिंदगी की रुदात भी सुना दी कि मेरी जिंदगी की कामयाबी मेरी जिंदगी का हासिल ये है मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब ये है मैं इस कामयाबी पे उस मुसीबत के बाद कैसे पहुंचाऊं यही लुब्बे लुबाब था लब्ब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इसी इसी किस्से को मुझ आप तक वाजे करने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने यह किस्सा धरा है कुरान कि जो अल्लाह का तकवा करेगा खौफ अल्लाह का करेगा परहेज़गारी उसके लिए करेगा उसके डर से उसे बचेगा और क्या करेगा तकवा में सबर करेगा और एहसान करेगा तो फिर अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं करता सूर्य यूसुफ का यह बुनियादी पैगाम तकवा सबर और एहसान तकवा सबर और एहसान यही तीन बुनियादी पैगाम है सूर्य यूसुफ अलहम के लिए और इसी पैगाम के लिए सूरत को अल्लाह सुबहाना किस्से को इस सूरत में बयान किया और यही पैगाम हजरत यूसुफ यूसुफ्लाम ने अपने भाइयों को बताया कि देखो मेरी जिंदगी का हासिल तो ये है मेरी जिंदगी की रूदाद ने तो मुझे यही सिखाया कि जो अपने मामला में खुदा का तकवा करेगा और फिर अल्लाह के लिए सब्र करेगा अल्लाह की अताद पर जमा रहेगा और फिर अपने मामला में एहसान करेगा फिर अल्लाह उसके अजर को जाया नहीं करता उन्होंने कहा बखुदा तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और हम वाकई खताकार थे दिल बदल गया ए तरा फे ख वाकई और दिल बदलने के बाद हजरत अलैहिस्सलाम की फजीलत का इतराफ़ कर रहे हैं और अपनी ख़ता का इतराफ़ कर रहे हैं हो गया ना बुर भैया अल्ला मोहम्मद सल्हम हमें क्या तरीका सिखाते हैं बुराई को भलाई से दूर करने का तरीका बस जब दूर करती है, क्या सिखाती है? आपने फरमाया तरीका क्या है कि जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ करूं जो मुझे जो मुझसे कटे मैं उससे जुडूं जो मुझे जुल्म करे मैं उसे माफ करूं और जो मुझे ना दे मैं उसे दू यही है तरीका और यही है बुराइयों को भलाइयों से बदलने का तरीका हम बस औकात दुनिया में ये जिंदगी के तरीके अपनाने की कोशिश करते तो हमारा ख्याल होता है बुराई का बदला अगर बुराई से नहीं देंगे तो क्या होगा अगला बिगड़ जाएगा जालिम और जुल कर, करने लगेगा कटने वाला और ज्यादती करने लगेगा ऐसा नहीं होता बुराइयों को भलाइयों से दूर करना मुश्किल जरूर है मुश्किल जरूर है इसके असरा देर में जरूर मुरतब होते हैं लेकिन हो जरूर जाते हैं मोहसिन अल्लाह अल्लाह मोहसिन का अजर ज़ाया नहीं करता तो अल्लाह सुबहाना ने इतनी ज़्यादा बुराई करने वालों के साथ भी जब भलाई की तो इस भलाई ने उनकी बुराई को भलाई में बदल दिया अल्लाह हमें ये जरफत फरमा दे अल्लाह हमें यह अता फरमा दे इतना सबर और तहमुल हमें अता फरमा दे कि हम बुराइयों का बदला भलाइयों से दे के एहसान करके मुसिन बन के अल्लाह से बेहतरीन अजर पाने वाले खुश नसीब बन जाए भाइयों ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत बख्शी हम वाक कई खतकार थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगला जुमला वही जुमला जो मोहसन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम का जुमला फतेह मक्का के मौके पर था कौला फरमायाला तसरी वाली कुमोल योम जाओ आज तुम पर कोई पकड़ नहीं फारो का मतलब है ऐब लगाना आर दिलाना ऐब लगाना किसी के नुक्स निकालना किसी की चीनी करना किसी की तनकी करना क्रिटिसिज्म करना तक करना मजाक उड़ाना लांतान करना ताने तिशने देना, और उसको आर दिलाना। आज मैं तुम्हें तुम्हारे रवैये की कोई आर नहीं दिलाऊंगा आज मैं तुम्हारे गलत रवैये के कोई ऐब नहीं छाटूंगा तुम्हारे नुक्स तुम्हारे ऐब तुम्हारी कमियां तुम्हारी कुतायां तुम्हारा हसत तुम्हारा जुलम तुम्हारी ज्यादा की रुदाद के उस पूरे के पूरे पंडारे बॉक्स को मैं नहीं खोलूंगा अल्लाह तस्रीबाई मैं तुम्हें यार नहीं दिलाऊंगा तुम्हारी गलत रवियों की और तुम्हारे जुल्म की खुद तो माफ कर दिया माफ कर देना तो मामला था ये भी एहसान था लेकिन एहसान पर एहसान क्या किया है? दुआ करें या फिर अल्लाह ला तुम्हें बख्श दे मैं भी तुम्हें माफ कर रहा हूं और मैं अल्लाह से भी तुम्हारे लिए बख्शिश का तलब ये है माफ कर दिया ये भी एहसान था एहसान करने के बाद क्या किया यही तो है काज उससे को पी गए थे ला तस्रीब आलई को मल्याम उससे को पी गए थे पकड़ नहीं है मुआवसा नहीं है सजा नहीं दूंगा तुम्हें मैं कैद खाने में नहीं पिंकवाऊंगा मेरे पास ताकत है ये ला तस्रीब आलई को मल्याम मैं तुम्हें फिर आफीना भी ला तसरीबाल में और फिर वह मोहसिन क्या है से फिर मजीद उनकी बख्शिश की दुआ कर रहे वाहमीन वालिद की तरब का तरीका वालिद की दावत का तरीका हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तबलीग का तरीका अब मुंतकिल हो चुका है बेटे में वही तरबियत का तरीका जो हजर तो याकूब अल्लाम का था जैसे वो बुराइयों को भलाइयों से दूर करते थे सबर तहमुलहमी दरगुजर इग्नोर करके लगातार वही रवैया है मौका महल की मुनासबत से हजरत यूसुफ्लाम ने भी अपने भाइयों को माफ करके किसके तरफ माइल किया रब की एक सिफत का तारुफ करवा दिया और कौन से सिर्फ दोनों बाप और बेटे का एक रवैया आपको बहुत जगह नजर आएगा अल्लाह का तारुफ तो करवाते थे लेकिन जिस मौके जिस महल पर जिस सिफ्त की जरूरत होती थी उसी का तस्करा करते थे मौका महल की मुनासिबत से रब का तारुफ करवाना ये सबसे इफेक्टिव तरीका है इस वक्त उनको किसकी तरफ माइल करने का की जरूरत है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाए अल्लाह की रहमत उसकी बख्शिश की तरफ पलटने की तरफ माइल करने का मामला है तो उनको कह रहे हैं बहुवा और हम और राहमीन उस रहम करने वाले से रहम मांगे ताकि इस हबू, जाओ जाओमीसी मेरी कमीज ले जाओ खाजा ये जो मेरा कुर्ता है ये ले जाओ अभी, उसके मेरे वालिद के बाप के मेरी आंखों पर डाल देना या वसीरन, उनकी बिनाई आ जाएगी क्या रवैया है हजरत यूसुफ असलाम के इस जुमले में क्या रवैया है वही रवैया जो एक मोमिन का मैं आपको बार बार बता रही हूं सूरह यूसुफ बार बार निशानदेही करिए मोमिन का माजी हाल मुस्तबिल के साथ माजी में लोगों को माफ करता है अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है हाल में रब का तारुफ और रब पर ईमान और मुस्तबिल में पॉजिटिव और मुस्बित रवैया मोमिन अपने माजी के रोने धोने शिकवे शिकायतों रिग्रेट्स, यास काश में अपना वक्त नहीं गुजार मोमिन अपनी माजी की महरूमियों के रोने धोने रोके अपना वक्त अपनी सलाहियतें जया नहीं करता मोमिन अपने हाल में मुस्बित रवैया रख के मुस्तबिल की फिकर और मुस्तकबिल का लाए अमल पॉजिटिवली इख्तियार है कितनी देर के बाद मिलने के बाद है कोई माजी का किस्सा हजरत बिनी अमीन को मिले थे तब भी यही रवैया बरदरा यूसुफ को मिले तब भी यही माजी का कोई किस्सा नहीं आगे चलो आगे चलो जस्ट अबाउट पास्ट। दरगुजर दरगुजर कर दिया, मांग ली। आगे चलो, जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ मेरा कुर्ता ले जाओ मेरे बाप के चेहरे के ऊपर डाल दो क्योंकि याद रखिएगा मोमिन मुस्तकबिल की फिक्र भी इसलिए करता है अपने हाल पे क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता मेरे पास मोहलत अमल कितनी है फिक्र आखरत करने वाला मुस्बित पॉजिटिव सोच रखने वाला मोमिन अपने मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिव रवैया क्यों इख्तियार करते हैं उसको कुछ पता नहीं मेरे पास कितनी मोहलत है छोटी सी मोहलत की बुनियाद पर फिक्र आखिरत की बुनियाद पर वो क्राइंग एंड एंड फ्रेटिंग फ्रेलिंग ओवर द पास्ट की बजाय अपने फ्यूचर की फिक्र करते हैं अच्छा जाओ छोड़ो मुस्तकबिल की कोई कहानी नहीं है जाओ तुम सारे के सारे चले जाओ कुर्ता ले जाओ मुझे पता है मेरे बाप की बिनाई नहीं है ये कुर्ता मेरे बाप की आंखों पे डालना उसकी बिनाई आ जाएगी और देखो सिर्फ ये ना करना और क्या करना तुम ले आना भी साथ तुम्हारे घर वालों को अजमाइन सबको क्या ख्याल है सूरत की वायद समझ आ गई है काजिमीन और गाइज आफीना अननासा हो यू हब्बुल एहसान पर एहसान पर एहसान पर एहसान होता ही चला जा रहा गुस्सा पी लिया माफ कर दिया एक एहसान कोई सजा नहीं दिलवाऊंगा दूसरा एहसान अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश मांगूंगा तीसरा एहसान तुमसे रब का तारुफ करवाऊंगा चौथा एहसान तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे बाप की बिनाई का खोई हुई बिनाई का हल करूंगा पांचवा इतना बड़ा एहसान मैं बादशाह हूं मैं हक में वक्त हूं मेरे पास रिज के खजाने अल्लाह ने वसी कर दिए है। हैं वो उस राजे के जाओ तुम भी आ जाना और अपने अहलोयाल को भी ले आना एहसान था कि अरे अपने हाथों अपने जालिमों अपने कत्ल के साजिशें करने वालों अपने ऊपर तूफान आजमाइशों का लाने वालों को कहा जा रहा है कि जाओ खुद भी वापस आ जाना और अपने घर वालों को भी ले आना किसका तरस मिल रहा है रेमी का सिलास मिल रहा है अपने भाई और अपने भाइयों के बच्चों और एहले खाना को कहा कि इनको भी मिस्र में वापस ले आना क्योंकि अल्लाह ने जो फरमा दिया था और दीन की तालीमात तो सब नबियों को एक ही गई थी अल्लाह ने रहम मादर को क्या अपने हाथ में लेकर मुखातिब फरमाया नहीं था जो इसको जोड़ेगा मैं इसको जोड़ूंगा मैं उसको जोड़ूंगा जो इसको काटेगा मैं उसको काटूंगा जोड़ रहे हैं रहम के रिश्तों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अलह मौसम उसने अखलाक से उसने मामलात से जोड़ रहे ले आना और फिर लाहियात को जन्नत तो कौती और रहम कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता दुनिया तो जन्नत थी हजरत यूसुफ जन्नत थी इकतदार है माल इतनी बड़ी रियासत लेकिन आखिरत की उस जन्नत का कि ये रहम के रिश्ते जोड़ रहे और फिर जो चाहता है कि उसके माल और उसके रिस्क में बरकत हो हजरत यूसुफ्लाम के पास तो माल भी था रिस्क भी था इसमें बरकत और बरहोती के लिए क्या कर रहे हैं रहम के रिश्तों को जोड़ रहे हैं माफ करने में पहल कर रहे हैं जन्नत के बाल खानों में महल तामीर करने का मामला कर रहे हैं कहते हैं जाओ सारे ही अपने घर वालों को भी मेरे पास ही ले आओ अल्लाह हमें इस तरह से लारहमी करने की तोहफी ताब फरमा अल्लाह गिविंग एंड पर रखना अल्लाह कभी टेकिंग एंड पे ना बनाना और अल्लाह जब तू तो देने वाले हाथ में से बनाना तो अल्लाह हमारे हाथों की की हमें निगाहों की की हमें दिलों की वसुतेंता फरमाना कि जो दें खालिद तेरी रज़ा के लिए बगैर किसी रिया बग़ैर किसी दिखावे बगैर किसी एहसान के देखे अल्लाह तेरी रजा और जन्नत में अपना हिस्सा पाने में कामयाब हो जाए जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने किनान ही में कहा मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ बाप में ना बाप, ना? बाप ना में औलाद के बारे में तो माँ बाप को पता ही होता कहते मैं यूसुफ आसमाम की खुशबू महसूस कर रहा तुम लोग के ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़े में सठ आ गया घर के लोग बोले खुदा की कसम आप अभी तक तो उसी पुराने खप में पड़े में अभी भी थोड़ा सा वो एक बदखलाक का और बाप के साथ एक नाशिस्ता गुफ्तु का तरीका ना अभी बीच बीच में कभी कभी वो चिंगारी जो है ना नाफरमानी की वो निकलती जरूर है मिजाज एक दिन में थोड़ा बदला करते हैं जब किसी की तरबियत और तस्लाह करने लगे तो क्या करना है बहुत तहमुल जरूरी है बहुत ताइम, बहुत सबर, बहुत चाहिए किसी की तरबियत और तस्किया में फिर जब खुशखबरी आया तो उसने यूसुफ काम के मुंह पर डाल दिया था? था जो दोनों बाप बेटे को दिया गया था और वैसे भी क्या है बिनाई कब आई थी जब अल्लाह ने चाहा था अल्लाह ने कब चाहा था इन मास्बरीन अल्लाह आजमाता है लेकिन आजमाइश में फिर मदद करता है कि इनकी जो सबर करने वाले हैं और ये तो कौन सा सबर कर रहे हैं जमील। तब उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ अब तस किया हो क्या कौलू या बना है हमारे वाल तू बख्शिश तलब कर वास्ते हमारे गुनाहों के इन्ना कुन्ना तो इन बेश हम खाकार याद रखिएगा इस्ला और तजकिए का पहला अमल इसतबार ख़ता है अब इसलाह हो गई इन बच्चों की कहने लगे कि अल्लाह अल्लाह से हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश मांगे हम वाकई खताकार उसने कहा मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा वो बड़ा ही माफ करने वाला और रहीम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वही तरबियत का एक तरीका लगातार नजर आ रहा है हर मौके पर मौका महल की मुनासबत से रब का तारुफ और यही तरीका हजरत यूसुफ अल्लाम ने भी अपनाया अब इस मौके पर जब बेटे कह रहे हैं कि हमसे हमारे हमारी अल्लाह सुबह तख्शिश और गुनाहों की तोबा मांगे तो हजरत याकूब ने अलीमीम का तारुफ तो नहीं करवाया अब किस चीज़ का तारुफ करवा रहे हैं हाँ खैर हाकमीन का तारुफ तो नहीं करवा रहे अब किस का तारुफ़ करवा रहे हैं इन्ना हो ओवल गफूर रहीम ताकि अल्लाह की रहमत से उसकी बख्शिश से कहीं नाउमीद हो के गुनाहों की तरफ चलते ना जाए जब कोई नादिम पशेमान होकर इस्तगफार करके पलटे चाहे कितने बड़े गुनाह से आए उसको कभी अल्लाह की रहमत से महरूमी का मामला मत बताइए हजरत याकूब अलैहि सलाम ने फिर मौके महल के नियम मुनासिब से अल्लाह गफूर और रहीम का तारुफ करवाया। फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहि सलाम के पास पहुंचे तो उसने अपने वालदेन को अपने साथ बिठा लिया अब कनान से से फ बनी इसराइल का खानदान यू ही मुंतकिल हुआ था पहले हजरत याकूब और फिर हज़रत याकूब और उनके बाकी बेटे और उनके अहले खाना जो है वो मिस्र से अः फलस्तीन से कनान से वो मिस्र की तरफ मुंतकिल हो गए सारे अहले खाना मुंतकिल हो गए और उन अहले खाना में से सबसे ज्यादा इज्जत किसकी वालदेन की इज्जत उनको अपने साथ बिठा लिया हमें पता चलता है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की वालदा को जवायात से पता चलता है कि इनकी जो हकीकी वालदा थी वो फौत हो चुकी थी और अब जो वालदा थी उनकी सौतेली वालदा थी यानी उनके शौहर की दूसरी बीवी थी तो उनको भी अपनी दूसरी वालदा को भी और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों को अपने साथ बिठा लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये रवैया अगर आप देखें फलस्तीन से मिस्र इतनी तकलीफें और आजमाइशें बर्दाश्त करते हिम्मत सब्र मेहनत सही कोशिश तहमुल के साथ इस पे पहुंच गए तन्हा थे फैमिली में से किसी की हेल्प सपोर्ट मामनत मशावरत कुछ भी नहीं ऑल बाय हिमसेल्फ अल्लाह की तो बाहर कैफ वही थी लेकिन दुनियावी मदद तो और किसी की नहीं थी ना भाई की ना बाप की ना माँ की ना किसी और रिश्तेदार की सेल्फ मेड जिसे दुनिया कहती है वो तरीका है और फिर इतनी हकुमत, इतना ओदा, इतना इकतदारम्लिकत में मिल जाता है लेकिन एक दूसरी मुमलिकत में एक दूसरे मुल्क के अंदर जब बेटे को इतना हकूमत इज्जत उहदा इकतदार मिल जाता है तो अपने माँ बाप को उसी बस्ती में जहां वो थे उनके बुढ़ापे में वहां नहीं अपने पास मुंतकिल करने का तरीका हजरत यूसुफ आलम का तरीका नजर आ रहा है आज के दौर में अगर हम देखें तो ये दुदाद हमारे माशरे की रुदाद हर घर की रुदाद है बच्चे मां बाप मेहनत करते हैं मुशक्कत करते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं बनाते हैं संवारते हैं और फिर जब बच्चे तरक्की करते हैं तो एक तो मुल्क के साथ बेवफाई मुल्क की मिट्टी के साथ बेवफाई इस मिल्लत के साथ बेवफाई कौम के साथ बेवफाई, जिस कौम ने बनाया था जिस कौम ने माल खर्च किया था उसके साथ भी बेवफाई और फिर सबसे बढ़कर अपने वाले की हक शनासी में शदीद कमी करके अपनी दुनिया अपनी जिंदगी वहां बसाकर उस जिंदगी में मस्त हो जाते हैं बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे में तड़पते सिसकते रोते धोते इस दुनिया से कूच कर जाते हैं और औलादें अपनी उस तरक्की में अपनी उस तरक्की में मसरूफ और महसूस रहती है क्या ख्याल है आज की जिंदगी में आज हमारे माशे में ये रुदात नहीं मेरा ख्याल है आपने उस दिन मुझसे ये रुदात सुनी भी होगी मैं दोहरा रही हूं आज वो एक माँ की दास्तान के खातून थी और वो जवानी में ही बेवा हो गई और जब वो बेवा हो गई तो तीन बेटे तीन बेटों के साथ एक खातून तकरीबन अट्ठाईस तेईस साल की उम्र में बेवा हुई और जब बेवा हुई तो उसके बाद जिंदगी की दुश्वारियां और इस ज़माने के धूप छांव गर्मी और उन सारी अजियतों में से कितने पापड़ बेले होंगे कितनी मेहनतें मशक्क़तें की होंगी बगैर शौहर के सिंगल पेरेंट रेजिंग में माली माशी हर किस्म की दुश्वारियां गुजार के उन बेटों को पाला पोसा पढ़ाया लाइक किया एक बेटा डॉक्टर एक बेटा डेंटिस्ट एक बेटा इकोनॉमिस्ट और ये तीनों के तीनों पंछी अमेरिका की कैनेडा की फ्लाइट्स लेके इस मुल्क से उड़ गए एक एक बेटा जो डॉक्टर था वो न्यूयॉर्क में मैनहैटन में एक बहुत बड़ा ऑनकोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट बन गया दूसरा जो डेंटिस्ट था वो कैनेडा में एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट बन गया और तीसरा शिकागो के किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया तीनों बेटे बाहर और ये बेवा माँ पीछे अपने घर में हाँ कभी कभी कॉल्स आती थी कभी कभी स्काइप कभी कभी इंटरनेट कभी कभी, कभी कुछ डॉलर्स कभी कभी मोहब्बत के खत और बसें आते रहे माँ अकेली तन तनहा अपने उन बच्चों के उनके कॉलों के औक़ात का इंतज़ार करती अपने दिन की घड़ियां गुजारती रही कभी पोतों से कभी बहू से कभी बेटे से बात की मुंतजर अपने सारे दिन की घड़ियां गुजारती रही अपने बिल भी देती अपने काम भी करती अपना सौदा भी लाती अपना सारा मामला चलाती रही दिन गुजरते रहे वो बेटे अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ केवल तो उन मुशक्क़त वाली जिंदगी में वो माल बनाने के चक्कर में उनको उनको छुट्टी ना मिलती थी और कभी अगर छुट्टी मिलती थी तो यहाँ किसी बीवी और यहाँ किसी बेटे की वो आरजू बुहाड़े आ जाती थी कभी अमेरिका का टूर कभी कभी दुनिया का वर्ल्ड टूर कभी सी यूरोप और कभी सी अमेरिका के चक्रों में वो वहीं घूमते रहे और माँ अकेली सिर्फ उस मोबाइल की एक घंटी के मुंतजर रहने पर मजबूर करती गई डॉलर तो आते रहे लेकिन माँ तन्हाई का शिकार रही जब तक चलती फिरती रही अपने मामलात करती रही लेकिन जब कुछ बीमार और कमजोर हो गई तो अपने हमसायों को अपने डॉलर देकर अपने माल और अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करती रही जिंदगी गुजरती रही और बस फिर जिंदगी की मोहलत ख़त्म हो गई वो माँ एक दिन अकेली तन्हाई में वो तो अपने मालिक हकीकी से अपने सारे गमों और अपनी सारी आज़ादियों से और अपनी सारे दुखों से आज़ाद होकर इस दुनिया के गमों से आज़ाद होकर वो तो आज़ाद हो गई और बेटों को खबर किसने दी हमसायों की तरफ से बेटों को खबर दी कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई अजीजों ने रिश्तेदारों ने हमसायों ने मिलकर गुसल भी दिया हमसायों के बेटों ने उनकी माँ की उनकी माँ को कुछ कंधा देकर कब्र में उतार भी दिया बेटे दो तीन चार हफ्तों के बाद जब आए तो वो दरवाजा जो रब की रब की रजा का दरवाजा था बंद हो चुका था बेटे आए उस दरवाजे पर अब रब की रहमत का वो दरवाजा जो उनके लिए पहले खुला था हमेशा के लिए उस पर कुफल पड़ चुका था वो कदम वो पांव जो उनकी जन्नत जिन पाओ के नीचे थे अब वो उस पांव से भी महरूम थे वो उस दरवाजे से भी महरूम थे और वो उस माँ की रहमत से भी महरूम और मैं आपको बताऊं कि आज हमारे हर घर की दास्तान है हमारे हर दूसरे घर की दास्तान है आज हमारी औलादें बहुत बड़े काम की बन जाती हैं बहुत तरक्की कर जाती हैं आसमान पे पहुंच जाती हैं माल हकूमत वह इकतदार समेटती हैं गैरों की खिदमत करती हैं गैरों के काम आती हैं न मुल्क को मिल्लत को अपने फ़ायदे देती हैं न कौम को अपने से इस्तः देती हैं और सबसे बढ़कर अपने वालदे की भी ना फरमान और हक़शनास नहीं निकलती सलाम का नमूना देख लीजिए कि जब एक दूसरी कौम में, में हकूमत मिली थी उद्दा मिला था इकतदार मिला था तो अपने वाले को ले भी आए थे अपने पास भी मुंतकिल किया था और अपने साथ बिठा हम यूरा माए हमल में पढ़ती हैं कि हमारा बच्चा खूबसूरत हो जाए अल्लाह हमें अपनी औलादों को अमी अपनी औलादों को सूरा यूसुफ के मफहूम समझा के उनको वालदेन का हक शनास बनाने की तोहफी किताब फरमा मैं बहुत दफा बहुत दफा आज के दौर में हमारा ये भी बहुत ज्यादा मस्त है मैं आपको बताऊं कि आज हमारे हम सब खुद भी इतने मादा परस्त हो गए हैं और इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम हम वालदेन भी अपनी जवानी में ये समझते हैं कि शायद सिर्फ मादा परस्ती और दुनियावी माल की तरक्की जो है ना वो सब कुछ है और जब माँ बाप खुद जवान होते हैं और खुद साहिब सलाहियत होते हैं उस वक्त वो शायद सिर्फ ये समझते हैं कि औलादों को भेज देना और उनको रवाना कर देना और उनको वालदे के हकूक ना सिखाना ये शायद आज मॉडर्निज्म का तक है मैंने बहुत सी माँ को ये कहते हुए सुना है कि मैं कभी भी इतनी सेल्फिश माँ नहीं बनूंगी कि मैं अपने बच्चे को कहूंगी कि मेरे पास आ जाओ और माए वो समझ रही होती है कि मैं बहुत ठीक बात कर रही हूं बहुत फखर से पढ़ी लिखी माओ को मैंने एक दफा नहीं मैंने बहुत दफा कहते हुए सुना है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कभी इतनी सेल्फिश मां नहीं बनूंगी कि मैं अपने बच्चे को अपने पास बुला लू याद रखिएगा अगर मैंने अपने बच्चे को अपने पास बुलाना है तो मैंने सेल्फिशली नहीं बच्चों को अगर अपना हक सिखाना है तो उनको अपने हक के लिए नहीं उनकी आखरत और उनकी अकबत संवार के लिए उनको अपने हक सिखा दीजिए जो औलाद अपने वाले के हक समझने से महरूम रह गई और जो औलाद वालदे के हक अदा करने से महरूम रह गई वो वालदे महरूम नहीं वो औलाद महरूम होगी वो औलाद महरूम होगी क्या मैं और आप चाहेंगे कि हमारी औलादें महरूम हो जाएं हम अपने सेल्फिश मकसद के लिए अपने बच्चों को अपने हकूक नहीं हम अपनी औलादों को औलादों की आखिरत के बिगड़ने से बचाने के लिए उनको अपने हकूक सिखाएंगे उनको सिखाएं उनको बताएं कि तुम पर तुम्हारी माँ का क्या हक है तुम्हारे बाप का क्या हक है ताकि कहीं उनकी आकबत ना बिगड़ जाए कहीं वो अपनी उस जन्नत से महरूम ना हो जाए कहीं वो रब की रजा से महरूम ना हो जाए आज इस मॉडर्न दौर में मैं बहुत पढ़े लिखे तबके को यह सुनती हूँ और समझती भी हूं कि यहां मादा परस दौर में हम समझते हैं कि औलादों को जाने दे और उनको तरक्की की उस दौड़ में जाने दे लेकिन अगर आप उसको तरक्की की दौड़ में जाने भी देना है, तो उनको वालदेन के हकूक उनके आदाब उनकी अहमियत और उनके एहसान सिखा कर लॉन्च करें ताकि बुढ़ापे में वालदेन के हकूक की कमी करके वो कहीं अपनी आकबत ना बिगाड़ बैठे वो कहीं अपने आप को जहन्म के शोलों से दो चार करने का जरिया ना बन जाए अपने लिए नहीं उनकी आकबत के लिए उनको हकूक के वाले सिखाने जरूरी अल्लाह से हमें तूरा यूसुफ ही पढ़ाकर अपनी औलादों को वालदे के हक सिखाने और यदब और सलीक और एहसान बताने की तोफ़ी कता फरमा दे जब भी लोग यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने वालदेन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा चलो अब शहर में चलो अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे अमन कब आता है रिश्ते काट के नहीं काट के नहीं रहम के रिश्तों से जुदाइया और तफरु के डाल के नहीं अमन कब आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अमन कब मिलेगा जब हम सब कुंबे वाले आपस में मिलजुल के बाहमी मोहब्बत से रहेंगे शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालदेन को उठा कर अपने तख्त पर बिठा लिया ये है वो मामला ये फिर वो मामला है जो आज हमारे यहां नजर नहीं आता मां बाप याद रखिएगा ओलादे जब भी कुछ बनती हैं तो वो माँ बाप ही उसका वसीला बनते हैं औलादें जो पढ़ती हैं जो समझती हैं जो फन जो हुनर जो फहम जो फरासत जो भी वालदे औलाद के जरिए जो भी औलादों को मिलता है वो वालदे के तवसत और वसीले ही से तो मिलता है बहुत दफा आज औलादों को कोई उहदा मिल जाता है तरक्की मिल जाती है तो वालदेन बेवकूफ़ लगने लगते हैं अहमद लगने लगते हैं ट लगने लगते हैं जाहिल लगने लगते हैं और बस अवकात अपने वालदेन से लोग कतराना शुरू हो जाते हैं उनको सोसाइटी में और लोगों के सामने अप करने से शर्म आने लगती मैंने बहुत से लोगों को देखा ये करते हुए तरक्की करने के बाद अपनी वो बूढ़ी माँ और उसका लिबास या अपना बूढ़ा बाप और उसका हुक्का शर्मिंदगी का जरिया बन जाता है अपने बाप का पेशा अपनी बाप का पेशा वो पेशा जिसने मुझे जिस जगह पर पहुंचाया वो पेशे को ओनअप करना बस औका जो है वो जिल्लत और रसवाई बन जाता है अपने माजी को भुला देना अपने माजी को फरामोश करना अपने असल को फरामोश करना मोसनीन और मुत्तकीन का तरीका नहीं है अल्लाह ताला हमें ये सारे ही एहसान के तरीके सीखने की तोफीक़ का फरमाए और अल्लाह हमें हर हाल में अपने वाले के साथ अपने वाले को उठाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और सब उसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए यह सजदा ये कोई इबादत का सजदा नहीं है और ना ही इस सजदे से और ना ही इस सजदे से किसी शक्ल में इंसानों का किसी इंसान को या अल्लाह के अलावा किसी जीरो या गैर जीरो को सजदा करने का कोई तस्वर निकल रहा है ये सिर्फ सजदा सीन जीम दाल का मतलब है बाउ डाउन करना यह सिर्फ क्या था एक सजदाए एहतराम था एक ताजीमी सजदा था सजदाजी या एहतराम के तौर पर किसी बड़े या बुजुर्ग के आगे बाओ डाउन करने का तरीका था वरना ये सजदा नहीं था यूसुफ आसम ने कहा अबाजान ये ताबीर है मेरे उस काब की जो मैंने पहले देखा था मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया लगातार क्या रवैया है अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी इतनी हुकूमत दे दी इतनी, इतनी तुने बड़ी फर्मा रवाई दे दी लेकिन क्या है, आजी है, इनकी सारी है और कोई, 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 कोई इतराया नहीं जा रहा कोई जो है वो घुमंड का तरीका नहीं आ रहा कोई आम शख्स होता अपने घर आने वालों को इतनी देर के बाद इतने बड़े औहदे में सेल्फ मेड मिलता तो पता नहीं कितना अतरा था देखा मैं कितना समझदार था देखा मैं कितना सियाना पापड़ी बड़े बेले हैं, मैं ही बड़ा होशियार मैं ही कोई इस किस्म का तस्करा दूर दूर तक शायबा नहीं है लगातार रब की नेमतों का इतरा मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया और उसका एहसान है लगातार बहसीयत मोहसिन हजरत यूसुफ अल्लाह के एहसानात का इतराफ उसका शुक्र करें एहसान है क्या एहसान कह रहे हैं उसने मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझे मिला दिया। का शुकर अदा करते हुए की दावत दी थी तब भी उन्होंने यही जुमला बोला था कि मेरे रब ने मुझे बड़ा अच्छा ठिकाना दिया है आज भी क्या कह रहे हैं मेरे रब का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और सहरा में आपको मिला दिया शुक्र जाविया नजर है शुक्र सोच का तरीका है एक ही हालत में शुक्र भी मुमकिन है और उसी हालत में ना शुक्री भी मुमकिन है देखिए इस हालत में एक आम बंदा यह भी तो कह सकता था अल्लाह ने मुझे कैद खाने में डाल दिया अल्लाह ने हमें सहराई में जुदा कर दिया लेकिन नहीं ना हर चीज में से शुक्र का पहलू निकाला जा रहा है अल्लाह ने डाला नहीं अल्लाह ने निकाला है ये शुक्र का पहलू है अल्लाह ने हमें सहराई में जुदाई नहीं अल्लाह ने फाइनली हमें मिला दिया है, ये शुकर। शुकर का ये का ताल्लुक, पल्ले से बांध लीजिए कि जरूरी नहीं कि एक बहुत मालदार एक बहुत सेहतमंद एक बहुत साहिब इल एक बहुत हकूमत इकतदार वाला शख्स ही शुक्र करेगा शुक्र एक गरीब फकीर बिल्कुल कुल मुफ़्लिसुल हाल भी शुक्र कर सकता है और एन मुमकिन है वो मालदार शुक्र ना कर रहा और वो मुफ़्लिसुल हाल शुक्र की नेमत से माला मालो तो शुक्र इंसान की सोच का तरीका है जब सोच मुस्बित हो जाती है जब सोच पॉजिटिव हो जाती है जब रब मोहसिन बन जाता है तो फिर शुक्र की नेमत से दिल माला माल हो जाता है जिक्र का व शुक्र का व हुस्न और उसका एहसान है कि उसने मुझे मिला दिया हर हाल में रब को मोहसिन मना रहे हैं हर हाल में शुक्र का पहलू ढूंढ रहे हैं उसने मुझे कैर खाने से निकाला और आप लोगों को सेहरा मिलाकर मिलाया और देखे कि सिर्फ शुक्र भी नहीं नजर आ रहा लगातार शुक्र भी है जिक्र भी है और सबर भी है सारी चीजें और तकबुर की नफी भी है ये तो मोमिन की बेहतरीन शान है ना शुक्र जिक्र सबर तकबर की नफी लगातार ये सुन्नतें नजर आ रही हैं सहरा से लाकर मिलाया हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था भाइयों के दरमियान फसाद कौन डालता है शैतान डालता है दो भाइयों को लड़वाने वाला कौन होता है इंसानो तो वह शैतान का चेला होता है मुनाफिकों की सिफत है झगड़ा करना फसाद डलवाना और दूसरी बात क्या समझ आ रही आपस के झगड़े आपस के तनाज़े और भाईचारे के ख़ात्मे से बचने के लिए फिर क्या जरूरी है शैतान के वसवसों शैतान की उकसाहटों से अल्लाह की पनाह मांगना कसरत से ज़रूरी है अगर भाईचारे से मोहब्बत से अखुबत से आपस के खलूस के साथ भाई बहनों के साथ रहना चाहते हैं तो दो काम कसरत से किया करें एक तो जिक्र इलाही क्यों क्योंकि ये भी दिल को शैतान के वसवसों से बचाता है और दूसरा आउजा ही मिनर शैतवान रजीम, अल्लाह की पना भी मांगा करें वाकई ये कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीत पूरी करता रहता है वो अलीम और हकीम है हजरत यूसुफ सलाम की जिंदगी का लुबे लुबाब और हासिल और रवैया क्या क्या सुनते नजर आ रही है लगातार शुक्र जिक्र सबर तहमुल एहसान माफ कर देना और, और बहुत से खूबसूरत उसने सलूक और उसने मामला लेकिन इन सब का लुब्बे लुबाब और पीछे वजह क्या थी सबर करते थे तो पता था रबलीम हकीम है शुक्र करते थे तो भी उसकी हमतें याद आती थी एहसान करते थे तो भी ये सिफात याद आती थी ये दो वो सिफात है जिनका पहचानना अगर मैंने और आपने अपने लिए लाजिम कर लिया तो जिंदगी की मुश्किल क्या खुशहालियां तंगियां असूदगियां परेशानियां इंशाला सब आजमाइशें गुजारनी आसान होगी ए मेरे रब तू मुझे हुकूमत बख्शी कहीं सबर आ रहे कहीं शुक्र तू मुझे हुकूमत बख्शी तूने मुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाया जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और अनजाम कार में मुझे सवालहीन के साथ मिला दे वही मोमिनों का रवैया माजी हाल मुस्तकबिल, माजी में इस्तफार हाल में अपने फिक्र की अपना सबर शुक्र जिकर अपने तस्की और इसलाह की कोशिश और मुस्तकबिल में तवफनी मुस्लिमीब साल मुझे इस्लाम और फर्माबर्दारी की हालत में मौत देना और सालीन के साथ मेरा शुमार करना फ़िक्र आखरत ने मुस्तबिल मौजूदा दौर में इस्लाह और माजी में इस्तफार ए मोहम्मद सल्लाम ये किससे गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं वरना तुम उस वक्त मौजूद तो ना थे जब यूसुफ असलाम के भाइयों ने आपस में इतफाक करके साजिश की थी मगर तुम खा कितना ही चाहो इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं है हालांकि तुम इनसे तुम इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो यह तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है वो सवाल जो मुशी ने मक्का ने वसल्लम से किया था पूरे सवाल का जवाब देने के बाद अब उस सवाल को मजीद सर्टिफाई करने के लिए उस सवाल की क्रेडिबिलिटी के तौर पर बता दिया गया कि रसूल ये जो सवाल का जवाब दे रहे हैं ये वही इलाही की बुनियाद पर है गोया सवाल का जवाब भी दे दिया गया उनकी साजिश का और उनकी मकर का फ्रॉड का जो जाल है उसको भी तोड़ दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत को भी साबित कर दिया गया मुशीन मक्का को उनके कबीर रवैयों का आईना भी दिखा दिया गया मुशीन मक्का को उनके कबीर रवैयों के अंजाम से मुतनब भी कर दिया गया एक मोहसिन और सहाबा इक्राम को एक मोहसिन का तरीका दिखाकर एक खूबसूरत सुनत का चेहरा और आईना भी दिखा दिया गया और रसूल्लासम और सहाबा इक्राम को तसली और उनके सबर पर जमने का खूबसूरत अंजाम भी समझा दिया गया ज़मीन व आसमान में कितनी ही निशानियाँ हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं ज़रा तवज्जो नहीं करते इतना खूबसूरत किस्सा है तुम इस पर भी तोज्जो करो इन में से अक्सर लोग अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह कि उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं क्या यह मतमयन हो गए हैं कि खुदा के अजाब की कोई भला उन्हें दबोच ना लेगी या बेखबरी में क्यामत की घड़ी अचानक उन पर नहीं आ जाएगी मुश्किल मक्ा को झंझोड़ा जा रहा है कि वो रब जिसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारुफ करवा रहे हैं अपनी नबूवत का तारुफ़ करवा रहे हैं अपने अल्लाह के कलाम का तारुफ़ करवा रहे हैं आख़रत का तारुफ करवा रहे हैं अगर तुम उन तमाम चीज़ों को नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये अंजाम हो जाएगा तुम उनसे साफ कह दो मेरा रास्ता तो ये है मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी और अल्लाह पाक है और शिर करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पहले हमने जो भी पैगम्बर भेजे थे वो सब इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे और उन्हीं की तरफ से हम वही भेजते रहे क्योंकि आप देखें कि वकीर मक्का की जो सारी चाल और वो जो मकर का फ्रॉड और फ्रेब का वह सारा जाल था किस मकसद के लिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आपकी नबूवत की सदाकत को झूठा साबित करने के लिए ना तो अकीदा रसालत को तोहहीद आखरत और रसालत को फिर से राबिन किया जा रहा है कि नबी क्या है इंसान है नबी सल अल्लाह वसलम की तरह बाकी तमाम अम्बिया जिसमानी रूहानी लिखाज से क्या है नबी है लेकिन फ़र्क क्या है हम उनकी तरफ वही भेज दें फिर क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं है कि उन कॉमों का अंजाम उन्हें नज़र आए जो उनसे पहले गुजर चुकी हैं मुश्किन मक्का को झंझोड़ा जा रहा है देख लो बरदरान यूसफ का अंजाम नजर आ रहा है ना और हजरत यूसुफ् की अल्लाह की मदद नजर आ रही है ना तो तुम्हें अंजाम ही नजर आ रहा यकीत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगम्बरों की बात मान ली तकवा की रविश इख्तियार की क्या अब भी तुम लोग नहीं समझोगे सवाल करने वालों को बार बार झंझोड़ा जा रहा है पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा कि वह मुदत नसीहत करते रहे और लोगों ने सुन के न दिया यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया ये तो करना चाह रहे थे ना मुश्किन मक्का तो यका, यका हमारी मदद पैगम्बरों को पहुंच गई फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं और मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब डाला ही नहीं जा सकता अगले लोगों के लिए इन किस्सों में अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की तस्दीक है और हर चीज़ की तफसील है और ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है सात अल्लाहम अल्लाह सुबहाना ताल हमने सूरा यूसुफ में इस आसन अकसस की जो तफसील तेरे इस कलाम में पड़ी अल्लाह इसको हमारे ईमान में इजाफे का जरिया बना देना अल्लाह इस आसन अल्कस की तफसील जो हमने पढ़ी अल्लाह इसको हमारे लिए बायस हदायत बना देना बायसे रहमत बना देना बायसे बख्शिश बना दे अल्लाह सुबहाना हमें पुख्ता ईमान अता फ़रमा अल्लाह अपनी पहचान और मोहब्बत अता फ़रमा यार हमरामीन अल्लाह हमें हमें फुरकान हमें कुरान हमें बुरहान अता फरमा यार हमरामीन अल्लाह जिस तकलीफ़ में भी हों अल्लाह तेरी इतनी बेहतरीन पहचान हो तेरा इतना कामिल ईमान हो तुझसे इतनी शदीद मोहब्बत और तवक्ल हो कि हर हाल में अल्लाह साबिर बन जाए अल्लाह हर दुख और तकलीफ और परेशानी में अल्लाह सब्र करने वाले शिक्र करने वाले तेरे ऊपर जिक्र तेरा जिक्र करने वाले तुझ पर तोल और भरोसा करने वाले अल्लाह जायज हद में सही और कोशिश करने वाले बन जाए अल्लाह सुबहाना हर दुख गम परेशानी में हमें तबलीग और दीन की दावत के साथ आसन तरीके से जुड़ने वाला खुश नसीब बना दे। हर दुख गम परेशानी में Allah हमें जब लसान और जब नफसता फरमा दे अल्लाह हर बुराई को हमें भलाई से दूर करने का जरा पता फरमा दे अल्लाह सुबहाना हमें मोहसिन बना दे अल्लाह हमें मोहसिन बना दे अल्लाह हमें तमें्सन सलूक फरमा, अल्लाह फरमा, अल्लाह अतफ़रमास््न मामला फरमा, अल्लाह उसने इबादत तता फ़रमा यार खमर्रम अल्लाह साबिर बना शाकिर बना जाकिर बना मुतवक्ल बना अल्लाह हर हाल में राज़ी ब रजा रह कर अपनी ही तरफ़ पलटने वाला बना अल्लाह अपने अलावा और किसी की मोहताजी फरमाना अल्लाह अपने अलावा और किसी का मोहताज ना बनाना और अल्लाह सुबहाना ताला, अल्लाह सुबहाना ताला हमें हमें अपने का कसरत से एतराफ करने वाला, दरगुजर करने वाला बना और अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को बख्श देना अल्लाह कमियों कोताइयों को हमसे दूर फरमा देना अल्लाह सूर्य यूसुफ का पढ़ना हमारे लिए बाय से बख्श बना दे बायसे रहमत बना दे बा हदायत बना दे भाई से बरकत बना दे اللاذ قد قبول ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من منه ترحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين